ओम नमः सुदेवाय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं वंदितो सौवसिद्धे रोमचल ओचामी समय सुखी। समय सार कर्ता कर्म अधिकार और उसकी अति सूक्ष्म और वस्तु व्यवस्था से जुड़ी हुई चर्चा हम कर रहे हैं। ऐसे देखा जाए तो सूक्ष्म इसीलिए है क्योंकि स्वतंत्र स्वतंत्र द्रव्य हमें दिखाई नहीं देते। हमारी दृष्टि कहो अथवा व्यवहार की दृष्टि कहो अथवा इंद्रिय ज्ञान की इतनी कमी कहो कि द्रव्य ना हमें स्वतंत्र दिखाई नहीं देते। ना जीव स्वतंत्र दिखाई देता है और ना पुद्गल स्वतंत्र दिखता है। बेटा जीव दिखता है आपको तो क्या क्या दिखता है जीव की जगह? या आपकी छोटी बहन दिखती है, मम्मी पापा दिखते हैं, तो इसमें जीव है कि नहीं है? है, लेकिन जीव क्या कर रहा है ये हम नहीं जानते। हमें तो जीव के साथ परिणमित तो होता मूव होता हुआ शरीर दिखाई देता है, बराबर। और ये से हम अनुमान लगाते हैं कि शरीर अपने आप तो हिलता डुलता नहीं है, तो जीव इसके अंदर होना चाहिए। और पुद्गल भी नहीं दिखाई देता, यानी क्या है ना, जीव के नाम पर हमें असमान जाति द्रव्य पर्याय दिखाई देती है, बराबर। और पुद्गल के नाम पर हमें कौन सी पर्याय दिखाई देती? शुद्ध पुद्गल परमाणु को देखा कभी आपने? नहीं देखा। हाँ, स्कंध की पर्याय समान जाति द्रव्य पर्याय दिखाई देती, बराबर। और इसके कारण कौन क्या कर रहा है ये हमें पता ही नहीं चलता। और जब पता नहीं चलता तो इसका उसमें, उसका इसमें मिला, सिंपल सी गणित। और इसी से फिर पूरा वो सगुण शास्त्र विकसित हो गया कि बिल्ली और हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो भी बिल्ली रास्ता काट जाए तो बुरा होगा। अभी भी का बात करते कार्य में और छींक में कोई कनेक्शन नहीं है, तो भी कार्य लेते लेते अगर छींक आ गई तो बुरा हुआ। और फिर ये मानते बिल्ली के कारण हुआ। अरे बिल्ली स्वतंत्र द्रव्य और कार्य स्वतंत्र। आज भी मतलब मैं लिटरली अपने श्रद्धांत सब लोगों की कमी बता रहा हूँ कि जो मंदिर में अकर्तावाद के सब सिद्धांत सुनते समझते कहते सुनाते हैं, वो भी एक बार बिल्ली रास्ता काट जाए ना तो अंदर में डर तो जाते। मतलब सहज कुत्ता काटे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, गाय काटे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इतने सारे पशु पक्षी हैं, मच्छर मक्खी हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, कोई भी सामने से निकल जाए, आपके पैर अटकते नहीं हैं, ठिटकते नहीं हैं, तो फिर ये बिल्ली से क्या? ये मान्यता ये बात। मतलब मैं और फिर क्या, 2 मिनट चाहिए ना तू बगड़ी जाए। अरे तारो श्रद्धांत बगड़ियो छे भैया, शू बगड़ी जाए ये तो पछी नहीं बात, बगड़ी जैसे नहीं बगड़ी गयो छे। बोलो एम एम के लोको खाली गुड़ नकाम आपने थोड़ी तकलीफ हाय करवानी, एटले मान्य छे ने कि आ करीशू तो शू थशे, तकलीफ थशे, आ बगड़ेली मान्य। हाँ
नजर नजर लग जाना, बच्चों को नजर लग जाना, नजर लग जाना, काला टीका ना डोरा धागा, ये सब मतलब मेरे तो पहले तो लोग ऐसे कहते थे कि भाई तुम अभी कह रहे हो तुम्हारे बेटे बेटी होंगे तब तब देखेंगे, बेटे बेटे भी हो गए, एक 10 साल की हो गई, एक 3 साढ़े 3 का हो गया, कभी नजर नहीं लगी। मैं जब पहले जब पढ़ता था ना तो घर पे मम्मी वगैरह को भी कहता था कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, बोले हाँ अभी कह रहे हो तुम, जब तुम्हारे बेटे बेटी रोएंगे ना तब पता चलेगा। अब उसका मैं उस समय क्या जवाब दूँ? अब जब होएंगे तब देख लेना। अब बेटे बेटे भी हो गए साहब, 10 साल की हो गई एक बेटी है, एक 3.5 साल का हो रहा है, आज तक कभी भी कुछ नहीं किया और आज तक कभी नज़र नहीं लगी, और जो जो बार बार करते उनको हर दूसरे दिन लगती, और लगने का सिस्टम तो पता चलता है, उतरने का तो और नहीं पता चलता। लगने का तो मुझे आगम प्रमाण है, लगने का तो मुझे क्या है आगम प्रमाण है। आगम प्रमाण मतलब क्या, एक कसाय समुद्घात नाम की व्यवस्था होती है बराबर, तो कदाचित किसी की कोई परिणाम निकल जाए ना, ये हो जाए ना, कसाय समुद्घात से कुछ घटना दुर्घटना बने, बात अलग है, लेकिन उतरने का सिस्टम है ना, वो ऐसे करो ना मिर्ची करो ना पूछो नहीं ना, पची यहाँ डाल दो ना बाहर डाल दो, उतर भी जाती है बराबर, ख्याल में आया कि भाई दो द्रव्य की क्रिया उसकी नजर तुझे लगे तो लगेगी है, तेरे पाप के उदय के बगैर। और गजब ये होता है पता है कि अब क्या कहें, दिगंबर में भी और श्वेतांबरों में भी इसकी व्याख्याएं की जाती हैं, ऐसे करो तो ऐसे होगा ना, वैसे करो तो वैसे होगा, 50 प्रकार की है, ठीक नहीं है ये सब चीजें, वस्तु स्वरूप की अज्ञानता को बताते हैं, इसके बहुत सारे पैरामीटर हैं, वास्तु और ज्योतिष हमेशा इसके साथ में ले आता हूँ, क्योंकि एक क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ मिथ्यात्व है, एक काल के साथ जुड़ा हुआ मिथ्यात्व है, और रत्न वगैरह द्रव्य यानी वस्तुओं के साथ जुड़े हुए मिथ्यात्व है ना, सही है ना, क्या बोला, तीन तीन चीजें होती ना, द्रव्य क्षेत्र काल बराबर, और भाव में तो मिथ्यात्व पड़ा ही हुआ है, तो तीनों प्रकार से क्या आएगा इसमें घटित होगा, द्रव्य मतलब वस्तुओं का, ये नंग पहना तो अच्छा हुआ, जैसे ही लोगों को पता चलता है पंडित हूँ, बड़े गहन गहरे प्रश्न करते हैं मेरे से, अरे पंडित जी सब ठीक है ये बताओ हीरा सधेगा कि नहीं सधेगा, मैंने कहा हीरा सबको सधता है, या तो इस पर्याय में सधेगा नहीं तो अर्घ नरक में को जाके सधेगा, व्यवहारम परिग्रह तुम नरक से आयुषा है, सधेगा तो क्यों नहीं सधेगा, इसको पहना तो ऐसा हो गया, ये द्रव्य संबंधी मिथ्या क्षेत्र संबंधी, ये इस दिशा में चीजें हैं, इस दिशा में कर दो तो भला हो जाएगा, उस दिशा में कर दो तो बुरा हो जाएगा, दरवाजा फेर दो, ये क्षेत्र संबंधी मिथ्या तो किस संबंधी मिथ्यात्व, क्षेत्र संबंधी मिथ्यात्व। अरे भाई आत्मा अपने असंख्यात प्रदेशों में है, और भूतकाल में जो कुछ नियम बनाए हैं वो वैज्ञानिक कारणों से बनाए हैं कि भाई हवा और जहाज की दिशा कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं। एक तो मेरे रिश्तेदार का फोन मेरे पास में आया, बाकी सब बढ़िया है, बस फ्लैट ले रहा था, बाकी सब बढ़िया है, एक ही प्रॉब्लम है, दरवाजा पश्चिम की तरफ खुलता है, मैंने खिड़की तो पूरब की तरफ है, हाँ खिड़की पूर्व, हाँ तो मैंने कहा ले लो। अब सब अच्छा लग रहा है तो इस मात्र इसके कारण कि दरवाजा पश्चिम की तरफ खुलता है, मैंने पहले ऐसा था भाई खिड़की विड़की की व्यवस्था नहीं होती थी, हवा हो जाए सूर्य की प्रकाश बराबर नहीं है, मैंने खिड़की तो है ना पूरब की तरफ, बस बढ़िया ले लो, वो भी अटक जाते हैं लोग पढ़े लिखे लोग, क्षेत्र संबंधी मिथ्या, और काल संबंधी तो है ही,
चौघड़ी का मिथ्या तो इस घड़ी में, उस घड़ी में, दो घड़ी में, दस घड़ी में, ये सब भी कभी भी जब आपके अंदर में बातें आए तो समझ लेना एक द्रव्य अपनी अपनी पर्याय का कर्ता होता है, अन्य की पर्याय का कर्ता होता। और निमित्त कारण लगाना हो तो कर्म से बेहतर और कर्म से परिपूर्ण दूसरा कोई निमित्त कारण है ही नहीं। तो एक लगा लिया निमित्त कारण, अब इसमें कोई कमी हो तो बताओ। बराबर, तो समझ में आया। और एक और प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण इसमें होता है कि पंडित जी आप हर कभी ज्योतिष और वास्तु की समीक्षा करते रहते हो, लेकिन क्या द्वादशांग में भी तो ज्योतिष का वर्णन है ना? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब कहीं पर कोई नूर है तो हर कांच का टुकड़ा कोई नूर हो जाएगा। ये न्याय तो ये हुआ ना, कहीं पर कोई नूर है तो इसका मतलब मेरी जेब में जो है वो भी कोई नूर है क्या? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। तो द्वादशांग में जो ज्योतिष का वर्णन है वो पहले पढ़ना समझना, फिर उसके बाद इस बात को आगे बोलो। और दूसरे नंबर की बात, द्वादशांग एक अंग में किसी में ज्योतिष वास्तु और इन सब का वर्णन है, बराबर। तो ज्योतिष वास्तु आदि द्वादशांग की एक अंग है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, ये द्वादशांग की आत्मा है। क्या बोला? अब समझो इस बात को, दोनों के बीच के अंतर समझ लो। क्या बोला? कहीं कहीं पर ज्योतिष वास्तु का वर्णन आता है, वो कैसा है, किसने पढ़ा है, किस अपेक्षा से, हमने पढ़ा नहीं है और वो लुप्त भी हो गया है। तो वो लुप्त हो गया मतलब तुम जो कुछ भी मानो वो सही हो जाए, ये है क्या? कहीं पर कोई नूर है तो हमारी जेब में जो है वो कांच का टुकड़ा भी कोई नूर हो जाएगा क्या? कोई नूर है कहीं, हम कहां निश्चित कर सकते हैं? जाओ ब्रिटेन की रानी के मुकुट में लगा हुआ है। लेकिन कोई नूर के अस्तित्व से हर कांच का टुकड़ा कोई नूर हो जाता है, क्या ये सही है? ऐसे ही ज्योतिष वास्तु के अस्तित्व से हर ज्योतिषी सही हो जाएगा क्या? हर उसका उल्टा पुल्टा ज्ञान सही हो जाएगा क्या? दूसरे नंबर की बात कि अगर ज्योतिष वास्तु जिनवाणी के एक अंग हैं द्वादशांग में से, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने रूप परिणमित होता है, ये जैन धर्म की आत्मा, ये द्वादशांग की आत्मा। अब अगर आपसे कोई इतना कहे कि भाई ये उंगली में सड़ा लग गया है, बराबर, अब या तो इस उंगली को कटवा दो नहीं तो पूरा शरीर सड़ जाएगा, तो क्या करोगे? बोलो बेटा, सिंपल सा प्रश्न, कोई गहरा तो नहीं है, कि जब अंग और आत्मा का चॉइस आती है कि भाई ये अंग को सुरक्षित रखने में आत्मा संकट में पड़ेगी, अंग को सुरक्षित रखने में क्या संकट में पड़ेगी? आत्मा संकट में पड़ेगी। तो आप अंग का मोह छोड़ देते, बोले इस अंग को काट दो चलेगा, जीव सुरक्षित रहना। कोई कहे नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे अंग को नहीं छोड़ सकता, भले ही चाहे पूरा शरीर खप जाए, तो मूर्ख कह रहा है। तो वैसे ही जो ज्योतिष वास्तु आदि के चक्कर में किसको नहीं छोड़ रहे, अपने अकर्तावाद रूपी वस्तु व्यवस्था का श्रद्धा नहीं कर रहे, वो अपनी आत्मा का घात कर रहे। तो अंग और आत्मा में जब च्वाइस आए तो आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। और एक द्रव्य अपने अपने रूप परिणमित होता है, पर रूप पर चित रूप परिणमित नहीं होता, ये जिनवाणी की आत्मा, इसलिए हमें आत्मा को सुरक्षित रखना। अंग जब होगा जानेंगे तब देख लेंगे, हम उसका निषेध भी नहीं कर रहे, विधान भी नहीं कर रहे, लेकिन हमें उसकी जरूरत भी नहीं। क्या बोला?
जब ये समझ लिया कि हर द्रव्य अपने अपने में है, अपने अपने रूप परिणमित होता है, कोई भला बुरा नहीं है, तो जरूरत पड़ती नहीं। है? समझ में आया? हाँ नहीं समझो, भावना और वस्तु व्यवस्था दो तो अलग है। ऐसे तो हम बर्थडे विश भी करते हैं ना कि 100 साल जियो, तो क्या गलत है? क्या गलत नहीं है? गलत नहीं है मतलब क्या है? हमारी भावना है। अब तुम अगला बर्थडे का मुंह देखो नहीं देखो वो भी हमें पता नहीं, बराबर। और कई बार तो ऐसा ही होता है, जैसे दादा पथारी ऊपर हो ना, अरे दादा नो बर्थडे छे खबर न थी, तो बदा ने भेगो कर लो, अने बदा त्या जे लोग अय जानी ने भेगा थया छे कि खबर न थी बीजो बर्थडे आवशे कि नहीं आवशे, ये बदा लोग एमने शू शुभेच्छाओ पाठवे छे, अरे दादा जी तो तमे आ छोकरा नो लगन जोई ने जसो, कहे छे कि नहीं छोकरा छोकरी नो मोढ़ू जोई ने जसो। जे लोगोना मन में अटली खातरी छे अंदर मा कि ए दादा हवे लगभग लगभग बीजो बर्थडे जोशे नहीं, तो पण दादाए शुभेच्छा कई नाम थी पाठवशे कि दादा हजी तो आनो लगन, आम 7-8 वर्ष नो छोकरो ना, आनो लगन जोईने जसो, आना छोकरा जोईने रमाडीने जसो, आवुं ज कहेवाय छे। अने आवुं ज कहेवामां सारू छे, આવું થોડી કહેવાય કે દાદા હવે ભેગા એટલા માટે થયા છે ખબર નથી આગલા વર્ષને મળશો કે નહીં મળશો, આ કોઈ કે બસ એ જો નિર્વિઘ્ન સમાપ્તિ યા મંગલાચરણ કા કોન્સેપ્ટ બસ એટલે જ કિતના કે હમારી યે ઈચ્છા હૈ, હમારી ક્યા હૈ યે ઈચ્છા હૈ કે જીતને ભી લોગ આયે વો શાંતિ સે બેઠે, जो भी लोग जिस उद्देश्य से आए वो उनका उद्देश्य पूरा हो, शांति से धर्माराधना करें, जिससे आयोजकों को चिंता ना हो, आने वालों को चिंता ना हो, बढ़िया है। और देखो सुनते ये भी बड़ी गजब बात है, विचारणीय बात है, मुहूर्त की बात जब करते हैं ना तो कई बार आपको ये नहीं लगता ये सारे पंच कल्याण फेब्रुवरी में क्यों ज़्यादातर होते हैं, सेप्टेम्बर अक्टूबर ये दिवाली के बाद क्यों होते हैं, ये सारी मुहूर्तें सम वातावरण में क्यों आती, ये जून जुलाई में क्यों नहीं निकलता कोई पंच कल्याण, कोई मुहूर्त नहीं बनती क्या वहाँ पर? मई वगैरह में ही बहुत कम निकलते, ज़्यादातर पंच कल्याणों को शुभ मुहूर्त फरवरी में जनवरी में नवंबर में मार्च में ऐसी क्यों निकलती? अरे मुहूर्त के पीछे एक कॉस्मोलॉजी का ज्ञान है, सबसे मेन है अनुकूल ऋतु। कभी आपने प्रश्न क्यों नहीं किया, मुझे प्रश्न होता है क्या क्या ये शुभ मुहूर्त की जून और जुलाई से बैर है क्या, कि कभी आती नहीं है इनमें शुभ मुहूर्त? अब ऐसे कहने के लिए सबसे बढ़िया धर्माराधना का टाइम चातुर्मास है कि नहीं, लेकिन चातुर्मास अगर धर्माराधना का श्रेष्ठ टाइम है तो पंच कल्याण की शुभ मुहूर्त क्यों नहीं निकलती इसमें? अब आप ये तो नहीं कहते काल खराब है, काल खराब है तो आराधना क्यों हो रही है? यानी साधना का काल और आयोजन का काल, साधना के लिए श्रेष्ठ काल और आयोजन के लिए निकृष्ट काल। अब ये काल अच्छा है कि बुरा, बोले काम क्या है इस पर डिपेंड करता है, काम क्या है, साधना श्रेष्ठ है क्यों, अपने आप अकेले में करनी है डिपेंडेंसी नहीं है तो श्रेष्ठ काल, लेकिन आयोजन करना हो तो 10 लोगों को बुलाना है वो आएंगे कैसे, रहेंगे क्या, खाएंगे पिएंगे क्या, तो आयोजन के लिए खराब काल। हाँ इससे मूर्त बन जाती ये प्रश्न, मतलब काल खराब होता ये काल जुलाई अगस्त जून जुलाई का तो पर्युषण इसमें क्यों होते, अष्टानिका इसमें क्यों होती, यानी काल तो खराब नहीं है ना,
श्रेष्ठ काल है, लेकिन तो भी कहते शुभ पंच कल्याणक की शुभ मुहूर्त नहीं है। मतलब क्या हुआ इसका वीरेंद्र भाई? सीधी आयोजन के अनुसार काल नहीं है, आयोजन के अनुसार काल नहीं, इसको बोल दिया अशुभ मुहूर्त। और बाकी जो काल है जनवरी फरवरी ऋतु की अनुकूलता है, सागबाजी अच्छी मिलती है, रोड बढ़िया है, बहुत ज्यादा सर्दी नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं, हाँ अभी काल अच्छा है क्या? अच्छा बुरा तो ठीक ठाक है, आयोजन के अनुकूल काल है। किसके अनुकूल काल है? आयोजन। मतलब हर चीज का काल अलग तरीके से नापा जाता है, और उसी प्रसिद्ध व्यवहार को हमने शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त के नाम से कह दिया। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? दुनिया की सबसे अपन कहे ना कि संकटों वाली शादी किसकी रही? राम सीता की सबसे संकटों वाली शादी। वो कोई आदर्श वैवाहिक जीवन नहीं, ऐसा जीवन आपके साथ में हो तो आप वो किस घड़ी में पड़ने थे है? अब वो उसमें ज्योतिष मुहूर्त नहीं देखा होगा है? विचार करके देखो। इसीलिए इस चीज के भ्रम को सिरे से नकारने की जरूरत है। किससे? सिरे से नकारने की जरूरत है। और जो धार्मिक चीजों में जो शुभ मुहूर्त देखा जाता है उसको ज्योतिष से कम जोड़कर एक सामान्य समझ से ज्यादा जोड़ना चाहिए। पहले के समय में इतना फॉरकास्टिंग डिपार्टमेंट डेवलप नहीं हुआ था, तो इसके माध्यम से ये ज्योतिष आदि के द्वारा हवामान खाते की आगाही की जाती कि किस समय अनुकूल होता है। और सब लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, कुछ एक लोग थे जो इन चीज़ों को समझ पाते थे, तो इसके हिसाब से ऋतु वगैरह मुहूर्त आदि के नाम से सारी बातें वहाँ पे चलती थी। बराबर ख्याल में आया समझे? तो अभी ये तो थोड़ा बात आगे ना ख्याल में कि जब आप स्वतंत्र परिणमित वस्तु व्यवस्था को देखते हो, स्वतंत्र परिणमित वस्तु व्यवस्था, शादी की बात करें ना, शादी की बात, तो यहाँ पे तुम मुहूर्त मुहूर्त करते रहते हो और सारे एनआरआई कम मुहूर्त में आके शादी करके चले जाते हैं। हाँ तो वो कम मुहूर्त अपने कम मुहूर्त और वहां शादी हो रही, वहां नहीं लड़ता। समझ में आएगी नहीं? ये क्या कहें भाई, बहुत अलग अलग बातें हैं। मतलब मैं तो कई बार बड़ा अजीब सा लगता है कि कहाँ इतनी पवित्र बात, वस्तु व्यवस्था की स्वतंत्रता, कण कण स्वतंत्र है, कण कण स्वतंत्र है ये बात आती, और वहां पे ना जाने कितनी कितनी बातों को लोग लेकर चलते। आज ये भारे दिवस, आज ये हल्को दिवस, आज आ तिथि, आज आ कराए, आज आ ना ना कराए। अरे प्रभु कहीं कसू कराए, कसू नहीं। तमें एक सिंपल वस्तु समझो, जे द्रव्य जे समय जे क्षेत्रे जे काले जे रूपे परिणमित थवानुं होय छे, ए द्रव्य ए समय ए काले ए क्षेत्रे ए ज रूपे परिणमित थाय छे, अने हूँ एना परिणमनो करता। आ वस्तु ऊंडाण पूर्वक समझवानी जरूर छे। देख है ना, अब तक यहाँ पे यही कहते हैं बाबा नंबर का चेक किया था ना बन चालू, एकहा परिणमत, पढ़ो एक साथ पढ़ो सदा, एकहा परिणमति सदा देखो एकहा परिणमति सदा, कि एक रूप ही क्या होता है, सदा परिणमित तो होता है। कल काफी चर्चा इसकी की थी, परिणामो जायते सदेकस्य, कि जो वस्तु का परिणाम है ना वो भी एक ही होता है। द्रव्य एक एक स्वतंत्र स्वतंत्र द्रव्य स्वतंत्र स्वतंत्र रूप में परिणमित होता है और स्वतंत्र स्वतंत्र परिणाम को प्राप्त करता है। परिणामो जायते सदा एकस्य,
एक परिणाम को ही ये सदा प्राप्त करता है। अलग परिणाम को पाते नहीं। इसको ऐसे समझो कि अगर आपने क्या कहते हैं कोई कोई सियाला का पाक बना है, उन्होंने 25 प्रकार की चीज़ें डाली हो, ये भी डाल दो वो भी डाल दो फलाना डाल दो, वो डालते ना सर्दियों के जो बनते हैं वसाना, गुजराती में कहे वसाणों की वसाना, ये सियाड़ा जो वसाणा बने એમાં કેટલી વસ્તુઓ નાખો, એલબીજીને અડધા પડતા આઈટમ તો નાખી જતા હશે ને, બરાબર? એ બધી વસ્તુઓ એક વસાણા રૂપ પરિણમતી, દરેક કાલી મિરચ એના રૂપે પરિણમિત થાય, સૂંઠ એના રૂપે પરિણમિત થાય, બરાબર? જેટલી વસ્તુ તમે નાખો એ પોત પોતાના રૂપે જ પરિણમિત તમને જે લાગે કે બધું એક રૂપ પરિણમિત થઈ ગયો, એક દ્રવ્ય થઈ ગયો, ઓહો એક દ્રવ્ય એક જ હોય છે, અનેક દ્રવ્ય મળીને એક દ્રવ્ય હોતા, મારે મારે એક મિત્રતા સામે વાસી મુદ્રા वो कई बार कहता आज मेरा एक द्रव्य खाने का नहीं, एक द्रव्य खाने का मतलब मैंने क्या खाओगे, कि गेहूँ खाओगे क्या, बोल नहीं 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 जो भी हो सब इकट्ठा कर दो और एक द्रव्य बना के खा लो, बहुत अच्छे बड़े भोले मित्र थे, बड़े प्रिय हैं मुझे, लेकिन उनको ऐसा सिखाया कि आज एक द्रव्य खाना है, मैं तो सरप्राइज हो गया, तो एक द्रव्य कैसे खाओगे, अकेले गेहूँ खाओगे क्या, अकेले चावल खाओगे क्या, अकेली दाल खाओगे क्या, कैसे एक द्रव्य खाओगे? और अगर और सूक्ष्मता में जाओ तो गेहूँ भी एक द्रव्य कहाँ, चावल भी एक द्रव्य कहाँ है, तो कहते नहीं नहीं बड़ी ऐसा वाला एक द्रव्य नहीं, बोले हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, एक द्रव्य खाने का मतलब क्या होता है, क्या ऐसा एक द्रव्य खाने का मतलब क्या होता है, कटोरा लिया उसमें दाल भात जो भी है वो सब मिक्स कर दिया, अब वो एक द्रव्य हो गया और एक द्रव्य बना के खा लिया, तो मैंने भी ट्राई किया कि मैं भी एक द्रव्य खाऊं, तो मैंने भी उनके साथ में कटोरा लिया और बनाया और खाया, तो मुझे बड़ा, मैं तो मेरा यार ललित भाई आपके एक द्रव्य तो मुझे अनेक द्रव्यों से ज्यादा टेस्टी लगा, खाने में भी सटासट उतर जाए और स्वाद भी बढ़िया है, मैंने एक द्रव्य बना के खाने में फायदा तो बहुत है, समय भी बच जाता है, स्वाद भी अच्छा जाता है और फटाफट, मैंने आपका ये एक द्रव्य तो मुझे अनेक द्रव्यों से अच्छा लगा, अब जब कभी भी मुझे एक द्रव्य की याद आएगी या खाने में जल्दी होगी फटाफट खा ले, बढ़िया। हाँ अब प्रश्न, क्या ऐसे एक करने पर कोई एक होता है क्या? परिणामों जायते सदैव कस्य, कि परिणाम जो द्रव्य जिस रूप परिणमित होता है वो द्रव्य उस समय उसी रूप परिणमित, आप रोटी को देखो क्यों भी तो पता चल जाएगा कि कुछ रोटी प्रॉपर सिकी है, कुछ रोटी ज़्यादा सिक गई काली हो गई, और कुछ रोटी की किनार में क्या है अभी भी कच्चापन, और ये तो तीन दशा बोली, कच्ची रोटी, पकी रोटी और जली रोटी, ये तीन रोटी है क्या? एक ही रोटी को अगर आप गंभीरता से देखोगे तीनों अवस्थाएं दिख जाएंगी, पोची पोची दशा वो कच्ची का प्रतीक है, काली काली दशा वो जली हुई का प्रतीक है, और सफेद सफेद दशा वो पकी हुई का प्रतीक है। अब ये एक द्रव्य है तो तीन अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता, कच्ची रोटी, पकी रोटी, जली रोटी, ये एक रोटी की तीन दशा नहीं है, असंख्यात परमाणु जो है ना, उन असंख्यात परमाणुओं ने अपनी अपनी अवस्था को पाया, कोई सिक गया,
कोई भुन गया और कोई कच्चा रहे। परिणाम हो जाए थे, ये एक का परिणाम दूसरे में नहीं जाता। अगर जाता होता तो एक एक रोटी का एक हिस्सा अपन सेकते और कच्चा हिस्सा भी क्या हो जाता, स्वादिष्ट हो जाता। अथवा एक हिस्सा भी जलता तो पूरी रोटी कैसे लगती, ऐसा नहीं होता ना। यानी रोटी ने, रोटी तो कोई है ही नहीं, रोटी मतलब क्या, असंख्यात उद्गल परमाणुओं का पिंड, उसमें प्रत्येक परमाणु ने अपनी अवस्था को प्राप्त किया। उनमें से कुछ अवस्था एक सी थी और कुछ अवस्था अलग अलग थी, लेकिन एक परमाणु ने दूसरी परमाणु को नहीं पाया। अरे भाई सोचो, एक आंच पर तपने के बावजूद भी परमाणु परमाणु अपने स्वभाव अनुसार परिणमित होता है, तो एक संयोगों में रहने के बावजूद तुम विभाव रूप परिणमित क्यों हो जाते हो? एक जैसा गैस, एक जैसी लोढ़ी, एक जैसा आटा, एक जैसा बनाने वाला, लेकिन तब भी हर एक परमाणु ने अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उष्णता को ग्रहण किया, किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया। कुछ सिक गए, कुछ भुन गए, कुछ पक गए। तो हम जब जीवन में जीते हैं, ग्रहण अपनी योग्यता अनुसार करते हैं और दोष परिस्थितियों पर थोपते हैं। अब जब कभी भी तवे की रोटी खाओ, तब विचार कर लेना कि ये रोटी जैसे अपनी रोटी के परमाणु अपनी अपनी योग्यता से परिणमित हुए, पके अंश ने कच्चेपन को मीठा नहीं बनाया और जले अंश ने पके अंश की मधुरता का नाश नहीं किया। क्या बोला, पके अंश ने कच्ची चीज को मीठा नहीं बना दिया और जले अंश ने पकी हुई चीज को कड़वा बना दिया। ऐसे जीवन में एक परिस्थिति ने, एक व्यक्ति की दशा ने दूसरे का बिगाड़ कर दिया, दूसरे की दशा ने पहले का बिगाड़ कर दिया, ये कैसे पॉसिबल? जब एक लोढ़ी पर परिणमित होने वाली रोटी के परमाणु अपने अपने रूप परिणमित होते हैं, तो अपने अपने रूप हम भी परिणमित होते हैं। उसी घर में हम हैं, उसी घर में सब हैं, अमूमन सभी लोग ऐसी ही परिस्थिति में हैं। सब अपने अपने अनुसार गर्म ठंडे जल भुन रहे हैं और दोष परिस्थिति को देते हैं। एका परिणामो जायते सदा एकस्य। अब क्या कहते हैं, एकस्य परिणति स्यात्। परिणति भी कैसी होती है, एक ही होती है, अलग अलग परिणति भी नहीं होती। क्या अलग अलग परिणति होगी, जिस समय जिसकी जो दशा है वही है। कल कच्ची थी, आज पक गई, थोड़ा और नहीं किया तो भुन जाएगी। तो कच्ची पक्की रूप परिणमित हुआ, पक्की भुन्ने रूप परिणमित हुआ। ये जितने भी परिणमन हैं वो सब अपने अपने क्रम से हो रहे हैं। एक समय में दो परिणति नहीं होती। आजकल व्यक्ति स्मार्ट बनना चाहता है, मोबाइल को तो स्मार्ट बना दिया, अब मोबाइल को इतना स्मार्ट बनाया तो उसे, उसके सामने हम अपने आप को फूल समझने लगे। क्यों, मोबाइल एक साथ दो तीन काम कर रहा, तो हमें भी दो तीन काम करने चाहिए ना। हम दो तीन काम कर, हम भी स्मार्ट बनने की कोशिश करते और मोबाइल पर प्रवचन चालू करते, सामने टीवी चालू करते, हाथ में पेपर रखते, मुंह से बातें करते, सामने नाश्ता रखते और अपने आप को स्मार्ट बना लेते। सही है ना, ये सब ऑनलाइन स्वाध्याय वालों की हालत हो रही। ये थोड़ी मेरी बात को गंभीरता समझना। ये ऑनलाइन के नाम पर जो जो
ओवर स्मार्ट बना है इस हद तक घाटा। तो मोबाइल को ही अलग अलग काम करने तो तुम तो एक ही काम करो। क्यों? क्योंकि आत्मा एक समय में एक ही काम कर सकता है। जब आप सुन रहे हो तब देख नहीं रहे हो, पढ़ रहे हो तब विचार नहीं कर रहे हो, खा रहे हो तब सुन नहीं रहे हो। उपयोग एक समय एक ही चीज में रहता है। और ये घर घर में यही हो रहा है। अच्छा, बहुत बड़ा छल हो गया, मैं तो क्या करूं। पहले तो व्यक्ति को मैं पकड़ लेता था, मैं सच बता रहा हूँ, अपनी पीड़ा बता रहा हूँ आपको, कि पहले व्यक्ति को पकड़ लेता था मैं कि चलो भाई स्वाध्याय में क्यों नहीं आते, स्वाध्याय में क्यों नहीं आते। अब जैसे ही पकड़ने जाता हूँ पहले ही छटक जाते हैं, पंडित जी आ नहीं है, लेकिन हम ऑनलाइन सब सुन रहे थे। क्या क्या बोलते हैं? अरे एक बार नहीं, तीन बार सुन लेते हैं। नहीं पता है कि पंडित जी अब कौन देखने आ रहे वाला, और चालू कर दिया। है, समझना है कि नहीं? तो अब ये बड़ी खतरनाक छटकबारी है। व्यक्ति पकड़ में नहीं आता, छटक जाता है, लेकिन छटकने के चक्कर में इसकी मनुष्य पर्याय छटक जाएगी ये पता नहीं चलता। और छटक के जाओगे कहाँ? मुझे 100% पता है कि जो सामने होते हुए नहीं सुन रहा वो घर जाके क्या सुनेगा। जो छोकरा टीचर के सामने नहीं पढ़ रहा वो टीचर चला जाएगा तब क्या क्या पढ़ेगा अब। लेकिन वो अपने आप को दोषी से बचने के लिए ऐसी सब बारियों का प्रयोग करता है। हम क्या करें, या तो विवाद करें उससे, या उसकी होनहार समझ के छोड़ दें। भाई उसने मनुष्य पर्याय को छटकने का ही मार्ग उसने समझ लिया। इसीलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, परिस्थिति वसात अगर आप ऑनलाइन भी सुनते पढ़ते हो तो जितनी गंभीरता के साथ में यहाँ पढ़ते सुनते हो उतनी गंभीरता के साथ सुनना। राम जी बापू थे ना, गुरुदेव बैठते थे ना प्रवचन सुनने में, तो जैसे अदबो अदब के साथ में पगड़ी पगड़ी पहनकर जिस जगह पर जिस डिसिप्लिन में गुरुदेव की हाजिरी में प्रवचन सुनते थे, वैसे ही अदबो अदब के साथ में उसी जगह बैठकर उसी डिसिप्लिन के साथ में प्रवचन, अब सीढ़ी तो है, अब घर ही सुन लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। अब प्रवचन तो है, अब उस टाइम पे यूट्यूब तो था नहीं, तो सीडी प्रवचन चलते थे या कैसे भी पढ़ा, लेकिन वो जो स्टाइल थी उनकी वो बदलती हुई। पॉइंट समझ में आया? इसीलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, अगर परिस्थिति बस आप यहां आ नहीं पाते किसी कारण से, बहुत बहुत अनिवार्य कारण से, बहुत ही अनिवार्य कारण से, बराबर, अगर आप घर पे सुनते हैं तो उसमें उपयोग को डिवाइड करके नहीं सुनिएगा, उपयोग को एका। क्यों? क्योंकि आत्मा, बोलो बोलो, एक समय में एक ही परिणति को प्राप्त करेगा। तो फोन को स्मार्ट रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके सामने फूल रहो, फोन के साथ कंपैरिजन मत करो। आप में से किसी ने फोन को बनाया है, फोन ने आपको नहीं बनाया, बराबर, समझे कि नहीं? और जिसने फोन बनाया उसने वर्षों तक एक काम किया होगा, तब अनेक काम करने वाला स्मार्टफोन बनाया। आई कि नहीं बात समझ? ये सब वैज्ञानिक कैसे पागल टाइप के होते हैं, वर्षों तक लैब में घुसे रहते हैं तब जाके कोई सृजन हो पाता। तो जिसने स्मार्टफोन बनाया उसने बहुत टाइम तक बेवकूफी पूर्वक सालों तक मेहनत की होगी, तब जाके एक स्मार्ट, अनेक काम करने वाला एक स्मार्टफोन बनाया। आप भी 6-8 महीने एक काम में मेहनत करो, फिर आप इतने स्मार्ट हो जाओगे कि अनंत पदार्थों को एक साथ, आप समझ में आए ना,
सुपर स्मार्टनेस किसमें? अनंत को जानने में, और वो कौन सी दशा है? लेकिन उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको? एक को जानने का गहरा अभ्यास करना, ठीक है ना। एकस्य परिणति स्यात्, एक ही परिणति होती है, स्यात् अनेकम अपि एकमेव, कि जो अनेक अनेक रूप दिखाई देने पर भी वास्तव में एक रूप ही रहती है। ठीक हो, फिर से, एक परिणमति सदा, परिणामो जायते सदेकस्य, एकस्य परिणति स्यात्, स्यात् अनेकम अपि एकमेव। अब देखो इस संबंधी ये जो दो गाथा है ना श्लोक, इन संबंधी बनारसी दास जी ने बहुत बढ़िया पद लिखे, मैं कहूँ जरा सुन के बोलोगे दोहराओगे। करता कर्म क्रिया करे, बोलो क्रिया कर्म करता, नाम भेद बहु विधि भयो, वस्तु एक निर्धार। क्लियर हुआ? देखो कर्ता कर्म क्रिया करे, कर्ता कर्म क्रिया करे, क्रिया कर्म करता, कर्ता कर्म और क्रिया करता है, और क्रिया कर्म और कर्ता के द्वारा हो जाती है। नाम भेद बहुविध थयो, ये बहुत प्रकार का नाम हो गया, लेकिन वस्तु कैसी जाननी चाहिए? जैसे अग्नि कर्ता, उष्णता कर्म और दहन क्रिया। अग्नि कर्ता, उष्णता क्या हुई? कर्म। कर्म और दहन वो क्या हुई? उसकी क्रिया। तो अग्नि ने उष्णता को प्राप्त किया और उष्णन रूप या जलने रूप क्रिया करती, तो तीनों चीजें अलग अलग की एक, वो ही अग्नि, उसी ने अपने परिणाम को प्राप्त किया और अपनी परिणति को किया। तो तीन कही जा रही है मगर है कैसी? देखो विस्तार में बहुत करेंगे बाद में। अब क्या कहते हैं, एक और शब्द सुंदर है, एक कर्म कर्तव्यता, करे न करता दोई, दुधा दरब सता सधी, एक भाव क्यों होई। देखो क्या कहते हैं, एक कर्म कर्तव्यता, एक कर्म की एक ही क्रिया होती है, करे न करता दोई, दो कर्ता मिलकर एक क्रिया नहीं करते। क्या बोला? दो कर्ता मिलकर एक क्रिया, गजब है। अपन कहते रोटी किसने बनाई? आटे ने भी बनाई, भाई ने भी बनाई, ये दो कर्ता मिलकर एक क्रिया करेंगे क्या? दिख तो रहा है, आटा भी है और भाई भी है, तो बोले भाई और आटा ये दो द्रव्य, और दो द्रव्य मिलकर एक काम करते क्या? दो द्रव्य मिलकर एक काम करते नहीं। बोल, गाड़ी कौन चला रहा? ड्राइवर भी चला रहा और पेट्रोल भी चला रहा और इंजन भी चला रहा, सब चला रहे नहीं, हर द्रव्य अपने अपने कार्य का कर रहा है। ड्राइवर का क्या काम उस समय? अपने योग उपयोग का करता, इंजन का ईंधन सर्कुलेट करना, पेट्रोल का उसमें पावर जनरेट करना, और पावर का क्या काम? वो सब जगह पहुंचना और उसके निमित्त से सब व्हील का घूमना। एक मैकेनिज्म होता है, एक कार्य नहीं होता। क्या बोला? एक मैकेनिज्म होता है। अपन ने शरीर को खाना खाया, अब वो शरीर का मैकेनिज्म है कि सारे अंगों में अपने अपने रूप काम हो जाता है, तो खाना सबको करने जा रहा नहीं, एक एक साथ होना और एक कार्य होना, ये दोनों में अंतर। सारा जगत में वो ही बोला, शुरू में मैंने ये बात कही थी कि हमें स्वतंत्र द्रव्य देखने की आदत है,
जीव देखते हैं तो पुद्गल और जीव के साथ वाला देखते हैं, और पुद्गल देखते हैं तो अनेक पुद्गल परमाणुओं के साथ वाला देखते हैं, और इसीलिए इसका काम उसने किया, उसका काम इसने। बहुत निश्चयने की दृष्टि की जरूरत है। जब भिन्न भिन्न दिखाई देगा, और भिन्न भिन्न दिखाई देगा तब आपको मोक्ष का मार्ग मिलेगा। देखो, एक कर्म कर्तव्यता करे न करता दोए, दुधा द्रव सत्ता सदी। जब दोनों द्रव्य सत्ता से भिन्न हैं तो एक क्रिया कैसे हो? दो की एक क्रिया हो ही नहीं सकती। इसी के संदर्भ में बहुत अच्छे परिणाम बात कहे हैं, एक परिणाम के न करता द्रव दोई। मैं अर्थ करता हूँ सीधा सीधा, एक परिणाम के इसमें नहीं है, इसमें है। ये बहुत बढ़िया है, ये प्रकरण आप स्वतंत्र पढ़ना, बहुत अच्छे से उन्होंने खुलासा किया है। क्या क्या ऑप्शन बना है वो देखना, मैं विस्तार नहीं करूंगा, सिर्फ शब्दार्थ का परिचय दे रहा हूं। एक परिणाम के न करता द्रव दोई, एक परिणाम मतलब एक कार्य, उसके दो द्रव दो कर्ता नहीं होते। एक कार्य मतलब समझ गए ना, रोटी का बनना एक कार्य है, उसके दो द्रव्य कर्ता नहीं होंगे। दोई परिणाम एक द्रव न धरत, कि दो परिणाम एक द्रव्य धारण नहीं करता, कि मैं ज्ञान वाला भी हो जाऊं और जड़ वाला भी हो जाऊं। जो रोटी का परमाणु जल गया वो कच्चा भी रह जाए, और जो परमाणु कच्चा रह गया वो जल भी जाए, ऐसा हो सकता है? बाल का जो प्रदेश सफेद हो गया वो काला भी हो जाए, काला हो गया वो सफेद, ऐसा नहीं होता। दो परिणाम एक द्रव्य न धरत, एक द्रव्य दो परिणाम को धारण बराबर क्या ना कि नहीं। अपन लोगों की मेहनत तो उनकी दाढ़ी होती, दाढ़ी एक परिणाम, एक बाल सफेद हो जाता है एक बाल काला रहता है, अच्छी दाढ़ी, यहाँ पे भी एक दो निकल जाएंगे एक आध सफेद बाल। जो सफेद है वो कालेपन को धारण नहीं करता, और जो काला है वो दो परिणाम एक धर्म न धरत। देखो, एक करतूती दो ही द्रव्य कबहू ना करे, दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया कभी नहीं करते। अब ये बड़ी समझ में आ, समझने वाली बात। हम अपन लौकिक व्यवहार में ही कहते ना, अपन दोनों के प्रयास से अच्छा काम हो जाएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कर रहे हो, और दोनों से क्या हो रहा है, मोक्ष मार्ग हो रहा है। दो करतूती बराबर, एक करतूती दो द्रव ना धरत, मैं अपने परिणाम समझाने के परिणाम का करता हूँ और आप समझने के परिणाम के करता है, ये दोनों को मिलकर एक काम नहीं हो। एक करतूती एक कार्य में दो द्रव्य नहीं होते, दो ही करतूती एक द्रव ना धरत, दो कार्य एक द्रव्य नहीं धारण करता, दो क्रिया, कि मैं समझा भी लूं बराबर, मैं बोल भी लूं और वहां ऐसे नहीं, दो कार्य एक साथ नहीं। जिस समय ओहो बड़ी गजब बात है, बहुत गजब, सूक्ष्मता में देखोगे तो बहुत अलग बात है। दो करतूती एक द्रव्य न धरत, पुद्गल रूप परिणमन का भी मैं कर्ता बन जाऊं और जीव रूप परिणमन का भी मैं कर्ता बन जाऊं। जीव ने किया तो कर्म का क्षय हो गया और आत्मा में लीन हुआ, नहीं, आत्मा कर्म का कभी क्षय कर सकते ही। बोलो, अरे ये क्या कह दिया, पूरा मोक्ष मार्ग खत्म हो गया, हम तो इसके लिए कहते कर्म का क्षय करेगा। अरे भाई, आत्मा अपने में जमता, आत्मा अपने में जमता है और उसके परिणाम स्वरूप कर्म। हमें तो आठ द्रव्यों के अर्घ में सबसे अच्छा तो यही लगता है, अष्ट कर्म विध्वंस नाय धूपम निर्पामती स्वाहा, सबसे ज्यादा हिंसा धूप के ही नाम से होती। ऐसे ही कर्म जल जाएंगे, थोड़ी धूप भूप जलाओ, मुक्त फल तो ठीक है, अष्ट कर्म विध्वंस नाय। लोगों को ये जो वृत्ति है ना, तोड़ फोड़ वाली वृत्ति, इसको मिटा दूं उसको मिटा दूं, पहले दुनिया को मिटाता है फिर इसको मिटाता है, कुछ नहीं मिलते तो कर्म को बिगाड़ा क्या है कर्मों ने तुम्हारा, क्यों पीछे पड़े उसके, अपने में जमो तो कुछ छोड़ के जाने के लिए तैयार है।
देखो, जीव पुद्गल एक छेद अवगाहु दोई, अपने अपने रूप को न टरतु। दोनों कहाँ रहते हैं? एक क्षेत्र आपका अपने अपने स्वरूप से टिकता है। जड़ परिणामनी को करता है पुद्गल चिदानंद चेतन स्वभाव आचरतु, कि दोनों अपने अपने में रहते हुए जड़ रूप परिणमित पुद्गल होता है और चैतन्य चिदानंद रूप जीव परिणमित होता है। ऐसी कर्ता कर्म की स्वतंत्रता है। आप इसको विस्तार से पढ़ना,